एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस, बीस, तीस नहीं, बल्कि 100+ वैरायटीज ऑफ डोसा आपको खाने के लिए मिलेंगे। डोसे की मेरे पास वैरायटी 100 का ऊपर है वैरायटी। ओह माय गॉड, 100 के ऊपर वैरायटीज है आपके पास। वेलकम बैक टू फोक एंड फ्लेवर चैनल फ्रेंड्स। आज काफी दिनों बाद में हम एक व्लॉग कर रहे हैं और व्लॉग करने के लिए हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दस, बीस, तीस नहीं, बल्कि 100+ वैरायटीज ऑफ डोसा आपको खाने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इस जगह को जिसने मुझे रेफर किया था, मैं बहुत जल्द उसे भी आपको मेरे दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। काफ़ी टाइम बाद हम कोविड के बाद में ये व्लॉग निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे भी हो गया था कोविड, तो इसलिए उसके 3-4 महीने बाद में हम लोग अभी ये व्लॉग निकाल रहे हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग टेस्ट करते वो डोसा। तो दोस्तों ये है मेरा फ्रेंड प्रतीक उलवेकर, जिसने मुझे इस जगह के बारे में रेफ़र किया था और मुझे बताया था कि यहाँ पे डोसा काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ में मिलता है और बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ टेस्ट टर्म्स में मिलता है। तो इसी ने मुझे रेफ़र किया था इस जगह पे व्लॉग करने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रतीक कि तुझे इस जगह के बारे में किसने रेफ़र किया था? लाइक तुझे इन जनरल पता था यहाँ पे आके, तूने टेस्ट किया था, या फिर तुझे किसी और ने बताया था कि यहाँ पे अच्छा डोसा वगैरह मिलता है करके? मुझे मेरे वाइफ ने बताया था इधर। अच्छा, तेरी वाइफ ने तुझे बताया था कि यहाँ पे डोसा अच्छा मिलता है करके? तो तूने टेस्ट किया, तेरे को अच्छा लगा, राइट? और उसके बाद में तूने फिर मुझे रेफर किया। वैसे हम लोग दोस्तों, मैं बता दूँ आपको कि कल ही हम लोग आने वाले थे यहाँ पे व्लॉग करने के लिए, लेकिन ये भाई को क्या है कि चाय की बहुत बुरी तलब लगती है। इसको चाय की तलब लगी तो इसने मुझे सुबह सुबह ही घर से उठा लिया और बोला कि चल भाई लोनावाला जाते हैं चाय पीने के लिए। और लोनावाला गए थे, इसीलिए फिर हमें लेट हो गया आने के लिए। चलिए दोस्तों जल्दी से आपको मिलाते हैं इस डोसा कार्ट के ओनर से। तो हेलो सर, आपका सबसे पहले नाम बताइए व्यूअर्स को, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मुन्ना है। मुन्ना जी, ओके। डोसा की लाइन में 7-8 साल हो गए मेरे को। 7-8 साल से आप डोसा की लाइन में आए, ओके। तो यहाँ पे अभी फिलहाल सर आपका ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम क्या है? मतलब सुबह 7 बजे से रात को 8:30 बजे तक रहती है। सुबह 7 बजे ओपनिंग होती है, रात को 8:30 बजे क्लोज होती है। ओके, रात को 8:30 बजे तक का आपका चालू रहता है, ओके। मुझे ये बताइए कि सर कस्टमर को स्विगी और जोमेटो से डिलीवरी मिल जाएगी आपके पास से? स्विगी में मिलेगी। स्विगी पे आपका अवेलेबल है, जोमेटो पे नहीं है, ओके। और पेमेंट आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं? लाइक फोन पे, गूगल पे, फोन पे सब एक्सेप्ट करते हैं, ओके। आपने बताया कि आप 7-8 साल से आप इस लाइन में हो, तो मुझे ये बताइए कि सर आपको पास में वैरायटीज कितनी है डोसे की? मेरे पास वैरायटी 100 का ऊपर है वैरायटी। ओह माय गॉड, 100 के ऊपर वैरायटीज है आपके पास? मैंने कभी देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था कि इतनी वैरायटीज का डोसे के पास में, डोसे वालों के पास में रहती है। हमारे पास है, पहले से भी है। नाम पढ़ते पढ़ते ही मेरा शायद पेट भर जाएगा। वैसे आप मुझे बताइए कि सर आपके पास में सबसे हाईएस्ट सेलिंग डोसा कौन सा है, सबसे ज्यादा बिकने वाला? मसाला डोसा है, मैसूर मसाला है, जिनी है, ओके। ये सब ज्यादा जाती है आपने? ये सब ज्यादा बिकता है आपके पास से, ओके। और वैसे आपको यहाँ पे, आप कभी से हो पनवेल में? 2 साल हो गया। 2 साल, इससे पहले आप कहाँ पे थे? जब ओपनिंग हुआ 2 साल तभी से इधर ही हूँ। अच्छा, ये शॉप का जब से ओपनिंग हुआ तब से आप इधर ही हो? हाँ। तो इससे पहले आप कहाँ पे थे सर? कोपरखन्ना में था, बेलापुर में था। बेलापुर और कोपरखन्ना में। तो यहाँ पे वैसे अभी आपका रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा है, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है आपको। तो सर हमें अब आप कौन सा डोसा बना के खिला रहे हो सर? बटर मसाला बना के, बटर मसाला। बटर मसाला अच्छा रहेगा टेस्ट? एक नंबर। ओके सर, बनाइए फिर, चलिए।
क्या सर आपने बैटर डाला ना डोसे का? हाँ, बैटर है, डोसे का बैटर है। नॉर्मली सर व्हाइट बैटर रहता है, ये आपका ये बटर स्कॉच टाइप कैसे? रवा का है बैटर। ओके, रवा बैटर है। ये हो गया ऑनियन, ऑनियन धनिया, धनिया और स्प्रिंग ऑनियंस डाला है इसमें। टमाटर, टमाटो, टमाटो। ओ भाई, कम से कम ये 20 ग्राम तो बटर ही डाल दिया इन्होंने। और इसमें शेजवान चटनी डाला। बटर सर कौन सा यूज करते हैं ये? अमूल बटर, गोवर्धन है, अमूल नहीं है, गोवर्धन। ओके, ये मसाला हमारा हाथ का बनाया हुआ है। अच्छा, ये आपका सीक्रेट मसाला है। ओके, ओके तो इसे पूरा स्मैश किया जाता है, पूरा मिक्सअप किया जाता है बटर को और वेजिटेबल्स को, पूरा मिक्सअप कर दिया जाता है। किया जाता है उसको, तो इसका नाम है बटर मसाला। ओके, मिक्स करने के बाद में दोस्तों एक यूनिक फ्लेवर आता है जो इन्होंने सीक्रेट इनका मसाला डाला है, उसका एक टेस्ट अजब आ जाता है मुँह के अंदर, फ्लेवर आता है। और ऊपर से अभी इन्होंने पटेटो की सब्जी ऐड की है। ओ भाई, ऊपर से और बटर, कम से कम 35 ग्राम 40 ग्राम बटर ही इन्होंने डाल दिया है। यस सर, जैसे इसका नाम है बटर मसाला डोसा, वैसे ही बटर गिरता ही जा रहा है। ऊपर से गार्निशिंग के लिए धनिया डाल दिया है। वैसे इसको कितना टाइम लग जाता है, लाइक 2-5 मिनट के अंदर? 3 मिनट, 3 मिनट रेडी। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कस्टमर ये प्रीफर करते होंगे। हाँ? ये ज़्यादा बिकता है यहाँ पे? बहुत। ओके, इसकी प्राइसिंग क्या है? 50 रुपीज़ ओनली। ओके, मैं तो 50 रुपीज़ का बटर ही डाल दिया हूँ खाली। वही बटर ही आपने इतना ज़्यादा डाल दिया, 40 ग्राम कम से कम बटर डाल दिया आपने। ये डोसा अगर स्विगी पे ऑर्डर करें तो स्विगी पे भी मिल जाएगा डिलीवरी में? मिलेगा, व्यूअर्स को मिल जाएगा। ओके, अपना ऑनलाइन स्विगी पे अवेलेबल है, स्विगी पे सब कुछ है, स्विगी पे भी मिल जाएगा। और अपना ये लोकेशन गूगल मैप पे भी है ना? ओके, अभी आप इसके ऊपर आने वाली है चीज। चीज, ओ भाई 50 रुपये में आपको क्या क्या मिल रहा है यार। चीज, कम से कम 40 ग्राम गोवर्धन का बटर डाल दिया इन्होंने यार। ये यूनिकनेस तो मुझे कहीं और पे देखने नहीं मिली। जैसा भाई प्रतीक तूने बताया था वैसा ही निकला यार। उम्मीद करता हूँ आप टेस्ट में भी एकदम बढ़िया निकले। दोस्तों आप देख सकते हो कि इनके पास में बैकग्राउंड में देख सकते हो आपकी वो शेजवान एंड चाइनीज़ सॉस की बॉटल्स वगैरह भी रखी है। तो आई होप डेफिनेटली ये चाइनीज़ डोसा भी प्रोवाइड करते होंगे आपको। पूरा चाइनीज़ का, पूरा चाइनीज़ चाइनीज़ का भी मिल जाता है। दोस्तों अभी हमारे सामने रेडी है बटर मसाला डोसा, जल्दी से हम लोग इसे टेस्ट करते और देते हैं इसका रिव्यू। लेट्स अटैक भाई, फुल गर्म है, खुशबू तो ऐसी आ रही है पूछ मत यार, फुल बटर ही बटर। टेस्ट करके देख, और नीचे भी देख कितना बटर आया है। क्लासिक बना है भाई, क्लासिक। मुंह के अंदर जो पूरा बटर का और वो मिक्स मसाले का और सब्जियों का पूरा जो फ्लेवर आ रहा है ना यार, पूरा खिल के आ रहा है। इसीलिए तो मैंने भी एक बार ट्राई किया ना, मुझे भाई बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया, सीरियसली। दोस्तों मैं तो इसे 10 में से 10 देना चाहूँगा, सीरियसली बहुत अच्छा बनाया। इनफैक्ट मैं एक और भाई पार्सल भी कर देना मेरे को घर के लिए, मैं पार्सल भी लेके जाऊंगा आप तो। अगर दोस्तों आप में किसी को भी अगर डोसा खाना होगा तो यहाँ पे एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। दी बेस्ट क्वालिटी है, एक्सेलेंट टेस्ट है, लाजवाब है। इससे अच्छा डोसा आज तक मैंने तो कहीं नहीं खाया, कहीं नहीं यार। 50 रुपये में और क्या चाहिए आपको, 50 रुपये में
कम से कम 40 ग्राम तो बटर ही डाल दिया, ऊपर से चीज़ डाल दिया, और क्या चाहिए आपको? इतनी अच्छी क्वालिटी, टेस्ट। भाई टेस्ट करना, मैं टेस्ट के लिए हूँ, तो तू टेस्ट कर देगा। हाँ हाँ, मैं नहीं खा पाएगा इतना, खा तू। अरे खा रहे हैं। चटनी भी आप देखोगे दोस्तों, इनकी चटनी जो है, चटनी में भी जो खोपरे का जो क्रंचेस होता है वो आप टेस्ट करोगे ना, तो मुंह में आपको क्रंचीनेस आ जाएगा। खोपरे का नारियल का जो क्रंचीनेस होता है वो आपको मुंह में आएगा, एक्सट्रैक्ट होगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये डोसा देखिए, इसके अंदर की स्टफिंग्स देखिए, ये देखिए चीज़ सब्जियाँ पूरी मिक्स हो चुकी है। इसका बटर देखिए, कितना सारा बटर देखिए, ये देखिए पूरा बटर नीचे पूरा फ्लोट हो रहा है। ये देखिए सब बटर, बहुत ही बढ़िया बनाया। ये देखिए बटर देखिए, इसके अंदर की स्टफिंग्स देखिए, पूरा भर के स्टफिंग्स किया हुआ है। तो दोस्तों जो डोसा मैंने यहाँ पे टेस्ट किया बहुत ही उम्दा क्वालिटी के था। आप अगर टेस्ट करो तो डेफिनेटली मैं इतना गारंटी से बोलता हूँ कि आप कम से कम आपके 10-20 फ्रेंड्स को तो रेकमेंड करोगे ही करोगे। दोस्तों अगर आपको इस प्लेस पे विजिट करना हो, डोसा यहाँ पे खाने के लिए आना हो, तो इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसकी लोकेशन, गूगल मैप लोकेशन मैं सभी चीज़ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आपको मैं लोकेशन यहाँ की बता दूँ, आपको ये न्यू पनवेल में आना, न्यू पनवेल में शिव कॉम्प्लेक्स में जैसे आप आओगे तो आपको इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प दिखेगा। ये देखिए ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प है, ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बराबर एग्जैक्टली ये देखिए आपको सामने दिखेगा, ये बीकानेर, बीकानेर के सामने ही है ये डोसा कॉर्नर। ये देखिए ये ओनर खड़े डोसा काउंटर के। दोस्तों अगर आपको हमारे ये व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलती रहे। टिल देन गुड बाय।